जहां एक तरफ रूस ने भारत को सौंपा है हेलीकॉप्टर्स का काल, जानेंगे क्या भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर मार्केट में मचा तहलका। मार्क का कहना है कि अभी तो तहलका मचना बाकी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूस लगातार भारत को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और अब रूस ने नया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भारत को सौंप दिया है। हालांकि रूस को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंपने में भले ही देरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इगला एस सिस्टम सौंपना रूस की बड़ी उपलब्धि है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने इसकी पुष्टि कर दी है कि भारतीय सेना को रूस में विकसित 24 इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हो गया है। रूस से इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का मिलना एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसका मकसद है भारत की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब इन मिसाइलों को पाकिस्तान से लगती सीमा रेखा पर तैनात करेगा। भारतीय सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस प्रणाली को खरीदा है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों का कहना है कि साल 2021 में आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में भारत ने इगला एस के बहुत कम संख्या को खरीदा है और ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। इगला एस सिस्टम एक एकल लॉन्चर और एक मिसाइल शामिल है। भारत ने पिछले साल नवंबर में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों के लिए रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर किए थे। इसका पहला बैच भारत आ गया है, जबकि बाकी मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों के लिए नई अधिकृत वायु रक्षा संरचनाओं के लिए इगला एस सिस्टम की खरीद की जा रही है। इसे काफी आसानी से कंधे पर उठाकर फायर किया जाता है और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के हेलीकॉप्टर ड्रोन को मार गिराने के लिए है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे कहीं से भी छिपकर वार किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को पता नहीं चल पाता है कि मिसाइल कहां से आ रही है। वेसोरेड्स के लिए अनुरोध प्रस्ताव पिछली यूपीए सरकार के तहत 2010 में जारी किया गया था, जिसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहीं रूस ने नवंबर 2023 में भारत को हाथ से पकड़ने वाली इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत इसके प्रोडक्शन की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। उस समय रोजनबोरोन एक्सपोर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिखेव ने कहा था कि हमने पहले ही संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब एक भारतीय निजी कंपनी के साथ मिलकर हम भारत में इगला एस मैन पैड्स के प्रोडक्शन का आयोजन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की गई डिलीवरी का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस हाल ही में यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवरी शेड्यूल्स को फॉलो करने में नाकाम होने पर आलोचना का शिकार हुआ है। उदाहरण के लिए रूस ने पिछले महीने भारत को सूचित किया था कि S-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन की आपूर्ति मूल कार्यक्रम से 2 साल बाद अगस्त 2026 तक ही कर पाएगा। भारत और रूस ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल के 5 स्क्वाड्रन की आपूर्ति के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी कि $5 बिलियन से ज्यादा का सौदा किया है। पहली डिलीवरी 2023-24 तक पूरी होने का अनुमान था। हालांकि रूस को यूक्रेन में अपनी सेना की मांग को पूरा करने के लिए योजनाओं में बदलाव करना पड़ा है। रूसी वायु रक्षा प्रणाली, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन के रूप में पेश किया गया है, वो लड़ाकू जेट और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी हो सकता है और ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकता है। आपको बता दें, इगला एस यानी कि मैन पैड्स पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां हैं और ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइलों जैसे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है। भारतीय सेना पहले से ही इगला 1M का सिस्टम का संचालन करती है, जिसे तत्काल बदलने की जरूरत है। 2012 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था कि लगभग 97% वायु रक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है। पत्र में कहा गया था कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से प्रभावी ढंग से रक्षा करने में नाकाम हो रहे हैं। इगला एस का ऑर्डर ऐसी प्रणालियों के लिए सेना की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करेगा और अब भारतीय सेना धीरे धीरे पुराने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बदल देगी। इस साल फरवरी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से स्वदेशी वेसोरेड्स मिसाइलों के 2 टेस्ट फ्लाइट
फ्लाइट भी किए हैं। खैर, अब यहाँ जहाँ भारत के लिए एक बड़ी मदद भेज रहा है रूस, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर मार्केट ने तो तहलका मचा दिया है और कहा जा रहा है कि ये तो अभी बस शुरुआत है। आज से हिंदू नववर्ष शुरू हो गया, जो विक्रम संवत 2081 के नाम से जाना जाता है। साल के पहले दिन ही शेयर मार्केट नए शिखर पर पहुंच गया है। आईटी और ऑटो शेयरों में भारी खरीदारी के दम पर बीएससी सेंसेक्स पहली बार 75,000 अंक के पार 75,124 अंक पहुंच गया है, जबकि निफ्टी भी 22,765 अंक के नए स्तर को छू गया है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। हीरो, मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा तेजी आई है, जबकि डिवीज लैब, ONGC, आइसर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरावट रही है। शुरुआती कारोबार में इन्फोसिस शेयर को 2% की उछाल भी मिली है। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 381.78 अंक यानी कि 0.51 तेजी के साथ 75,124 अंक पर खुला है। आपको बता दें, जिस तरीके से चल रहा है, भारत का मार्केट कैप 400 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सेंसेक्स के शेयरों में नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, TCS, इंफोसिस, विप्रो, ICICI बैंक में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि टेक महिंद्रा में गिरावट देखने को मिली। यहां पर काफी तेजी से अदानी पोर्ट्स में भी, डॉक्टर रेड्डीज में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नए हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में शानदार तेजी दिख रही है। शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी और आईटी और ऑटो सेक्टर में जो तेजी देखने को मिल रही है, सेंसेक्स 400 अंक से अधिक तेजी से पहुंच गया है। और ये जो दिख रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का मार्केट 400 लाख करोड़ के पार हो गया है और ये बहुत बड़ी शुरुआत है जो भारत ने की है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत के इस शेयर मार्केट को लेकर कई सारे दिग्गज सामने आ रहे हैं और उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक इंडिकेटर दिया है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, जिसमें इनका कहना है कि अमेरिका के बाद जापान, जापान के बाद भारत, इनका जो रहेगा मार्केट साइज काफी बड़ा रहेगा। चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है, ये बफेट का इंडिकेटर है जो इन बातों को कह रहा है। तो वहीं मार्क मोबियस का कहना है 1 लाख तक पार करेगा भारत का शेयर मार्केट, लेकिन भारत को अपने मार्केट को बड़ा करना होगा क्योंकि चाइना से टूटकर काफी सारा पैसा भारत के शेयर मार्केट की तरफ आ रहा है। भारत को बस उन पैसों को समेटने के लिए IPO और अपने मार्केट का विस्तार करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।